इंस्टाग्राम रील्स सर्च में कैसे भेजें। अगर आप इस वीडियो पर आए हो ना तो जाहिर सी बात है कि आपके रील्स पर व्यूज ही नहीं आ रहे हैं। 500,000 ज्यादा से ज्यादा भाई 3,000-4,000 बस मैक्सिमम इतने व्यूज आ रहे हैं अगर आप इस वीडियो पर आए हो तो। और उसका कारण यही है कि इंस्टाग्राम के जो एल्गोरिथम्स हैं वो आपकी रील्स सर्च बार में भेज ही नहीं रहे ज्यादा लोगों के पास। तो भाई जब वो ज्यादा लोगों के पास भेजेंगे ही नहीं तो आपकी रील्स पर व्यूज कैसे आएंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको सरासर यही बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो सर्च बार में कैसे भेजें। अगर वो आप देख भी सकते हो, अगर ये इस बात पे यकीन नहीं होता ना तो आप ये देख सकते हो भाई यहां पर मैंने अपनी रील्स बनाई थी और उसके बाद जब मैं स्वाइप अप करे जा रहा था तो भाई आप यकीन नहीं मानोगे मेरी रील्स मेरे खुद सामने आई थी। तो मतलब कम से कम मुझे ये पक्का हो गया था कि हाँ इंस्टाग्राम ने मेरी रील्स सर्च बार में भेज दी है, ठीक है ना। क्योंकि जब आप रील्स अपलोड करते हो तो आप पता ही नहीं लगा सकते कि भाई आपकी रील्स सर्च बार में किसी के पास आई है फिर नहीं आई है। ये तो जाहिर सी बात है, आपके जो इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स होंगे उनके पास तो आएगी, बट यार जो सर्च बार में जैसे आपने अपनी रील्स अपलोड करी, अब सर्च बार में देखी जा रहा हूं मेरे पास आपकी रील्स आएगी या फिर नहीं आएगी वो आप पता ही नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। बट मैंने पता लगा दिया क्योंकि मैंने डेफिनेटली यहां पर सर्च बार में ही उसको सीधा भेजा था। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। सर्च बार में जैसे टिकटॉक पे फॉर यू होता था ना, तो फॉर यू समझ लो तो आपको फॉर यू में ही आपकी रील्स यहां पर पहुंचा दूंगा मैं, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना, अच्छी लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है ना। मुझे भी अच्छा लगेगा भाई, थोड़ी ज्यादा व्यूज बढ़ जाएंगे, आजकल तो व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अच्छे अच्छे टॉपिक लगा रहा हूं आपके लिए, तो बस साथ देना मेरे, ठीक है ना। तो आ जाओ स्क्रीन रिकॉर्डर पर। तो सबसे पहले आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करने के बाद आप रील्स पर डायरेक्टली क्लिक कर देना। तो जैसे आप रील्स पर क्लिक करोगे आपके सामने आपका फेस आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको एक रील्स बनानी है, ठीक है ना। तो यहां तक का मेथड बिल्कुल सेम है, आपको एक रील्स बना लेनी है। रील्स कैसे बनानी है इसके ऊपर ही मैंने वीडियोस बनाई है और इतनी चीज तो आपको पता ही होगी। तो यहां पर हम गाना वगैरह सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहां पर गाने वगैरह चलो सेलेक्ट नहीं करते हैं, बस 15 सेकंड का हम एक तरीके से साइलेंट रखते हैं, क्योंकि जब मैं यहां पर क्लिक कर दूंगा शायद तो यहाँ पर बनके तैयार हो गई है, ठीक है ना। तो आप इसमें गाने वगैरह लगा के अपनी रील्स बना सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ तक का मेथड बिल्कुल सेम है, आप एक रील्स बना लेना, ठीक है ना, और एक ठीक ठाक सी अच्छी सी रील्स बना लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने रील्स बना लिया, उसके बाद मुझे करना क्या है, जो एरो का साइन है ना इस पर मुझे क्लिक करना है। तो जैसे मैं एरो के साइन पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद आप यहाँ से कवर भी लगा सकते हो, कोई सा भी जो आपकी मर्जी हो आप यहाँ से कवर भी लगा सकते हो। और जैसे मैंने याला कवर लगा दिया, ठीक है ना, इसको मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा याला कवर लग चुका है, इसमें मैं कुछ भी यहाँ पर कैप्शन लिख सकता हूँ, सपोज करो यहाँ पर मैं टेक्निकल तुषार कुछ भी लिख देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है ना, टेक्निकल और ये तुषार, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे इस पर कर भी सकते हो। अब देखो सबसे मेन बात यह है कि जब आप इसको अपलोड करते हो ना तो आप शेयर पे क्लिक कर देते हो, इससे क्या होता है कि ये जो रील्स है ना सबसे पहले तो आपके प्रोफाइल में यहाँ पर अपलोड होती है, उसके बाद यहाँ पर आपके सर्च बार में जाती है, सर्च बार में जाती है फिर नहीं जाती वो भी हमको ठीक से पता नहीं है, ठीक है ना। तो आपको जो यहाँ पर जो एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑल्सो शेयर टू फीड, इसको आपको बंद कर देना है। तो जैसे आप इसको बंद कर दोगे, ठीक है ना, ध्यान समझ रहे हैं इस बात को, जैसे आप इसको बंद कर दोगे उसके बाद आपको शेयर टू रील्स पे क्लिक करना है। तो जैसे आप शेयर टू रील्स पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो जैसे आपने शेयर टू रील्स पे क्लिक करा तो ये आपकी सर्च में ही अपलोड हो रही है। कैन यू इमेजिन, आपने कभी ये चीज करी थी, ये आपके एक सर्च में ही अपलोड हो रही है। और इसके बाद जब आपके अपलोड हो जाएंगे ना तो आपकी रील्स आपको खुद दिखेगी भी सर्च बार में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसका एक सेकंड वेट करते हैं अपलोड होने का। तो यहाँ पर जब हम पहले इसको अपलोड करते थे तो वो हमारी इंस्टाग्राम पर अपलोड होती थी, बट ये आपके इस टाइम सर्च बार में अपलोड हो रही है। और देखो ये हमारी अपलोड हो चुकी, मैंने कुछ नहीं करा, डेफिनेटली इंस्टाग्राम ने हमारी रील्स दिखा दी है, तो आपकी ऐसे सर्च बार में अपलोड हो गई है, ठीक है ना। तो भाई कैसी लगी ये ट्रिक, देखो यहाँ पर मैं इसको अपलोड कर, यहाँ पर स्वाइप अप करता जाता हूँ और आप देख सकते हो आपकी रील्स भी यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है ना। तो ये आपकी डेफिनेटली सर्च बार में अपलोड हुई है। अगर आपकी रील्स अच्छी होगी तो इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम्स के हिसाब से आपकी रील्स वायरल हो जाएगी। तो इसलिए भाई ऐसी ही अपलोड करो, ठीक है ना। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स चाहिए आपको तो कॉमेंट सेक्शन में वो भी बता देना। और इंस्टाग्राम पर मेरे आ जाओ तो आपको ये यूजर नेम मेरा दिखाई दे रहा होगा, technical_tushar__, ठीक है ना। तो मुझे फॉलो कर लो और आप मेरी रील्स वगैरह भी देख सकते हो, ठीक है ना। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, इसके साथ मेरा है प्यार और फिर मिलेंगे, चलते चलते।